नमस्कार दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था कि कोल्ड ड्रिंक अगर डीप फ्रिज में रखी जाती है तो वो अक्सर जम जाती है, तो ये उनकी प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह डीप फ्रिज में रख देते हैं, और वैसे तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है इन फ्रिज में रखनी चाहिए, ठंडी रहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि माल काफ़ी होता है, कोल्ड ड्रिंक की वैरायटी बहुत होती है, तो हम मेंटेन कर नहीं पाते, तो इस वजह से हमें डीप फ्रिज में रखनी पड़ती है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से इसको सेट करना है। तो जैसे ये टेम्परेचर दिया होता है, तो मैक्स से इसको आपको बैक करके 3 या 5 पर मैक्स होता है, तो मैंने इसको 4 पे कर रखा है, आप 3 या 4 पे कर सकते हैं। और बाकी आपको लगातार फ्रिज नहीं चलाना है, धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे रात को फ्रिज बंद कर दें, सुबह आते ही दुकान के अंदर फ्रिज चला दें, उसके बाद में 5-6 घंटे फ्रिज चलाएँ, फिर बंद करें, तो लगातार आपको फ्रिज नहीं चलाना है। लगातार फ्रिज चलाने से एक तो लाइट भी ज़्यादा खाता है और जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह के जमने की संभावनाएँ हो जाती है, तो आपको इस तरीके से ही करना है। और आइसक्रीम वाले जो फ्रिज होता है, जो डीप फ्रिज होता है, उसके अंदर कभी भी कोल्ड ड्रिंक ना रखें, वरना आइसक्रीम वगैरह मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।